In a class test, the sum of the Cephali marks in mathematics and English is 30. A class test में Cephali की जो marks है math और English का दोनों को sum करेंगे तो 30 आ रहा है. Had she got 2 more marks in mathematics and 3 less in English, the product of their marks would be have been 210. तो find the marks in two subject. Okay. वो रहे यदि मैथ में 2 मार्क्स और लेकर आती ज़्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेकर भी आती तो उनका जो प्रोडक्ट है 210 है. तो रियल में उनकी मार्क्स बताना है कि मैथ और इंग्लिश में क्या मार्क्स रही है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. मान लेते हैं हर मार्क 2x एंड इन इंग्लिश 2y. ठीक है, अगर दोनों की सम के बारे में बात करें, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सम, तो x प्लस y इक्वल टू क्या है हमारे पास 30. तो x इक्वल टू क्या होगा 30 माइनस y. ठीक है, अगर ये कंडीशन देखें तो x इक्वल टू 30 माइनस y. ठीक है, और क्या बोल रहा है कंडीशन, इसमें बोल रहा है कि अगर मैथ में 2 मार्क्स और आते यानी x आ रहा है तो x प्लस 2 आता और इंग्लिश में y आ रहा है तो 3 मार्क्स कम आते और इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 210. क्लियर है? ओके, ये कहानी. तो अगर हम चाहें तो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में के लाना है, ये तो अभी मान लो वो भी वन वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ 2 वेरिएबल है, x और y दो वेरी कर रहा है. तो वन वेरिएबल करने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह हम 30 माइनस वाई को पुट कर दे रहे हैं. तो x की जगह जैसे ही 30 माइनस वाई को पुट करेंगे देखो क्या होता है 30 माइनस वाई ओके प्लस 2 x इक्वल टू 30 माइनस वाई प्लस 2 वाई माइनस 3 इक्वल टू 210. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया 32 माइनस वाई एंड वाई माइनस 3 इक्वल टू 210. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 32y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 96 प्लस 3y इक्वल टू 210. ठीक है, ये सबको इधर लेकर आते हैं, एक ही डायरेक्शन में ये हो गया वाई स्क्वायर. ठीक है, और ये दोनों को ऐड किए हैं 35 माइनस 35. ठीक है, प्लस है तो इस साइड आके क्या हो गया माइनस. ठीक है, ये इधर ऐड किया तो प्लस हो गया, तो प्लस क्या आएगा 306 इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 306 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो फैक्टर भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं. ठीक है, तो फैक्टर सबसे आसान होता है तो फैक्टर ही कर लेते हैं. तो इसकी फैक्टर्स क्या होगी, ओके, 17 और 18 35 y स्क्वायर 17y माइनस 18y मल्टीप्लाई करो 306 आएगा इक्वल टू 0. ठीक है, y माइनस 70. ठीक है, माइनस 80 y माइनस 70 इक्वल टू 0. तो y माइनस 70 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 80 इक्वल टू 0. तो y माइनस 70 इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू क्या है 70.
ठीक है, और y माइनस 80 इज इक्वल टू जीरो, तो y का वैल्यू क्या है 80, दोनों वैलिड वैल्यू है, दोनों वैलिड है, y का दो वैल्यू आ रहा है 17 और 18। तो अगर मैथ में सॉरी इंग्लिश में उसको 17 आया है तो मैथ में कितना आएगा 13 आएगा, अगर 18 आया तो मैथ में 12 आएगा। x इक्वल टू क्या है 30 माइनस वाई है, ओके तो 30 माइनस 17 अगर करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, अगर मैथ की बात करें तो मैथ की दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 13 एक आएगा 12, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी दो वैल्यू आएगा, ये 13 आया तो ये 17 आया रहा होगा, ये 18 आया रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे आंसर जो है 13, 17, 12, 18 दो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं, तो हमें क्या पूछा था मैथ और इंग्लिश में मार्क्स क्या होगा, तो 13 अगर मैथ्स में आ रहा है तो इंग्लिश में 17 आएगा, मैथ्स में 12 आ रहा है तो इंग्लिश में 18 आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।